अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद और आप देख रहे हैं सैयद आबिद टीवी। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत घर, जबरदस्त लोकेशन के ऊपर ये घर वाकया है। हसन टाउन की ये प्राइम लोकेशन है। हसन टाउन वसीम ब्लॉक में ये घर वाकया है। बड़ा ही शानदार और खूबसूरत ये घर तैयार हुआ है। ये आप इसका जो है वो फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं। बड़ा प्यारा और खूबसूरत इसका जो है वो फ्रंट एलिवेशन है। और इसके सामने जो गली है वो अप्रॉक्सीमेटली को 18 से 20 फिट की इसके सामने रोड है। और अभी जो है वो मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। ये घर का आप इसका जो है वो गैराज देखें, सफाइयाँ वगैरह जो है अभी होने वाली हैं यहाँ पर। लेकिन बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त ये घर तैयार हुआ हुआ है। ये सामने डोर वगैरह अभी पॉलिश इसके जो है वो हो रहे हैं। और अगर मैं आपको इसकी फॉल सीलिंग दिखाऊँ तो ये फॉल सीलिंग बड़ी डिसेंट सी और खूबसूरत सी इसकी जो है वो फॉल सीलिंग हुई हुई है। और एक साइड के ऊपर लेफ्ट साइड पर देखें, बड़ी प्यारी जो है वो निशेस बनाई गई हैं। छोटी गाड़ी का जो है वो गैराज है। सीढ़ियाँ इस तरीके से सेपरेट कर दी गई हैं कि अगर एक पोर्शन रेंट आउट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अभी मैं घर के अंदर आ रहा हूँ। ये जैसे ही मैं घर के अंदर आता हूँ तो ये लाउंज की आप स्पेस चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लाउंज की स्पेस है। ये लाउंज की आप स्पेस चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लाउंज की स्पेस है। फॉल सीलिंग आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त और आला जो है वो फॉल सीलिंग हुई हुई है। बड़ी प्यारी जो है वो रोफ लाइट इसके अंदर लगाई गई है। अगर मैं आपको एलसीडी की स्पेस दिखाऊं तो ये एलसीडी की स्पेस आप चेक करें, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी एलसीडी की स्पेस है। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा वॉलपेपर लगाया गया है। और अभी इस साइड के ऊपर जो है वॉलपेपर अभी इंस्टॉल होने वाला है। काम बड़ी स्पीड के साथ जारी है, मैक्सिमम काम हो चुका है। थोड़ा बहुत काम जो है वो इसका रह गया है। अभी मैं आपको इसका जो है वो किचन चेक करवा दूँ। ज़बरदस्त साइज़ है किचन का। वेंटिलेशन के लिए एलुमिनियम की विंडो प्लस आयरन की जो है वो विंडो इंस्टॉल की गई है, एलुमिनियम प्लस आयरन। और ये आप वुड का काम चेक कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो वुड का काम हुआ हुआ है इसमें। और अब मैं आपको जो है वो विज़िट करवा रहा हूँ इसका जो है वो बेडरूम। जैसे ही मैं बेडरूम के अंदर जाता हूँ तो बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो लेटेस्ट आप कह सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर जो है वो लेटेस्ट एक साइड के ऊपर एलुमिनियम की जो विंडो वो लगा दी गई है, जो कि एक साइड पे बाहर ओपन एरिया की तरफ जा रही है, वेंटिलेशन की तरफ जा रही है। और इसके अलावा मैं अभी आपको इसकी जो है वो वार्डरोब चेक करवाऊँ तो वार्डरोब बहुत ही ज़बरदस्त है। रेलिंग वाली जो है कि वार्डरोब लगाई गई है। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो है वो बेड की डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि जो रेलिंग के अलावा जो है वार्डरोब होती है, अगर आप उसको खोलते हैं तो बेड का एरिया या जो भी है वो भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया गया है। ये अगर मैं आपको इसका कम्प्लीट व्यू करवा दूँ और आपको मैं अभी फॉल सीलिंग इसकी दिखाऊं तो रोफ लाइट बड़ी ज़बरदस्त से लगा के रोफ लाइट के साथ जो है वो छत को डिज़ाइन किया गया है। और अभी मैं आपको इसका जो है वो अटैच वॉशरूम वो विज़िट करवा देता हूं। ये आप अटैच वॉशरूम देखें, इसके अंदर जो है वो कमोड लगाया गया है और क्रोम की जो है वो एसेसरी इंस्टॉल की गई है। मैट टाइल का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। ये आप इसकी छत चेक करें, ज़बरदस्त। और ये आप चेक करें जी, ये एलुमिनियम की जो है वो विंडो लगा दी गई है एंट्रेंस के लिए। अभी मैं आपको इसका जो है वो ऊपर वाला पोर्शन वो भी विजिट करवा देता हूँ। अभी ये मैं ऊपर वाले पोर्शन में जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि इसको जो है वो सेपरेट डोर जो है वो लगाया गया है। अगर आप इसका एक पोर्शन रेंट आउट करना चाहें या दो फैमिलीज इसके अंदर रहना चाहें तो बड़ी ईजीली जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ और ऊपर अभी आप देखें सामने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी एलसीडी की जो है वो स्पेस दे दी गई है। वॉलपेपर बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत लगा दिया गया है। और अगर मैं आपको इसकी जो है वो फॉल सीलिंग चेक करवाऊँ तो फॉल सीलिंग बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत सी फॉल सीलिंग हुई हुई है विद रूफ लाइट के साथ। इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत करके। और एज इट इज़ बिलो जिस तरीके से नीचे है, इसी तरीके से जो है वो किचन ऊपर बना दिया गया है। और एक इसका रास्ता जो है वो बालकनी की तरफ बाहर की तरफ जो है वो निकाल दिया गया है। और ये भी आप इसकी वार्डरोब चेक करें, इसके जो बॉक्सेस बनाए गए हैं बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत। और सीएनसी की जो है वो ग्रिल लगाई गई है, सीएनसी है, आप चेक करें
सीएनसी स्टाइल में जो है वो ये इसकी जो है वो ग्रिल लगा दी गई है और ये स्पेस है। आप इसको चाहें तो एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बेडरूम चेक करवाता हूँ। टोटल 3 बेडरूम का ये घर है, 1 बेडरूम इसका नीचे है और 2 बेडरूम जो है वो ऊपर दिए गए हैं। ये आप बेडरूम चेक करें, बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा ये बेडरूम तैयार हुआ हुआ है। फॉल सीलिंग में रोफ लाइट लगा के इसको बड़ा अच्छा तैयार किया गया है। एक साइड के ऊपर जो है वो वॉलपेपर जबरदस्त सा इंस्टॉल किया गया है, एल्युमिनियम की यहाँ पर भी विंडो इंस्टॉल की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि वेंटिलेशन का यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है, वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त है इसकी। अगर लाइट्स वगैरह बंद भी हों तो फिर भी ये घर एयर ही रहेगा, एयरफुल रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो हाफ्स वगैरह नहीं होगी। क्रोम की एसेसरी इंस्टॉल की गई है और मैट टाइल्स का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं आपको इसकी वार्डरोब चेक करवाऊँ तो जिस तरीके से नीचे है इसी तरीके से ऊपर भी जो है वो वार्डरोब रीलिंग वाली बनाई गई है, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी जो है वो वार्डरोब तैयार हुई हुई है। और यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट बेडरूम के अंदर, आपको जो है वो नेक्स्ट बेडरूम में चेक करवा दूँ। ये जैसे ही मैं नेक्स्ट बेडरूम में आता हूँ तो एक लेफ्ट साइड के ऊपर उसी तरह रेलिंग वाली जो है वो वार्डरोब बना दी गई है, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी। ये आप चेक करिए, बड़ी जबरदस्त तैयार हुई हुई है। और ये एक जो है वो छोटा बेड जो है वो तैयार किया गया है, आप इसको किड्स बेड भी कह सकते हैं या इसको जो है वो एज अ स्टडी रूम भी जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। ये वॉलपेपर आप चेक करें, बड़े प्यारा और खूबसूरत। इसके साथ जो है वो अटैच वॉशरूम एक दे दिया गया है, ये वॉशरूम आप चेक करें। इसके अंदर WC है, 2 में कमोड है और 1 में WC है वेंटिलेशन के लिए विंडोज, और एक छोटी सी एल्युमिनियम की वेंटिलेशन की विंडोज विंडो इधर दे दी गई है। अभी जो है वो मैं ऊपर छत के ऊपर जा रहा हूँ, आपको इसकी जो है वो मैं छत विजिट करवा दूँ। ये जैसे मैं छत के ऊपर आता हूँ तो एक जो है वो स्पेस दे दी गई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की स्पेस है, पेटियां शेटियां वगैरह रखने के लिए एक ममटी की जो स्पेस है। और इसकी जो फॉल सीलिंग आप चेक करें, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी। और छत के ऊपर जो है वो सारी जो है वो टाइल्स लगा, मार्बल लगाया गया है और सारा जो है यहाँ पर बादल का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं घर के एरिया की बात करता चलूँ तो ये तकरीबन जो है वो 2.5 से 3.25 के करीब ये जो है वो एरिया बनता है, तकरीबन 2.5 से 3.25 के करीब ये एरिया बन रहा है। और इसके अलावा जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल 2 मरला 85 स्क्वायर फुट की है, लेकिन मौके पे जगह आप चेक कर सकते हैं, वीडियो में भी देखें और फिजिकल भी विजिट करें। डिमांड की बात करता चलूँ तो 85 लाख इसकी डिमांड है, निगोसिएशन हो जाएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ सैयद आबिद को दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।